नाजरीन आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले कि थाना रोहिल्ला वाले की हदूद में मलूक माई जौजा मोहम्मद इकबाल कौम भुट्टा और उसकी बेटी पर बा असर अफराद ने तशद्दुद किया और शदीद मारपीट की। मजीद मालूमात जानते हैं जज्बा लाइव के नुमाइंदे मलिक यामीन की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, थाना रोहिल्ला वाले की हदूद में मलूक माई जौजा मोहम्मद इकबाल कौम भुट्टा को बा असर अफराद मोहम्मद फियाज मुजाहिद हुसैन मोहम्मद सुलेमान नूर मोहम्मद ने मोरखा 6/18/2022 को अपनी बेटी जो हामला हालत में रिश्ना बीबी जौजा मोहम्मद अशरफ के घर थे इल्जाम आलियाना गए और आते ही मुझे और मेरी बेटी जो हमला हालत में है को बेहुदा किस्म की गालियां देने लगे। मना करने पर उल्टा तैश में आ गए और मुक्कों और थप्पड़ों के अलावा लातों से मारते रहे, जो कि हमला होने की वजह से दर्द भी महसूस कर रही थी। हमारी चीखों पुकार सुनकर मोहम्मद अजमल वाल्द फजल हुसैन और मोहम्मद तनवीर वाल्द मोहम्मद रमजान कौम भुट्टा मौके पर आ गए, जिन्होंने वाकया चश्म देखा और हमारी जान बख्शी करवाई। वजह अनाथ औरतों की आपस की तूल तकरार हुई, इस वजह से इल्ज़ाम आलियान ने मुझे और मेरी बेटी को नाहक मेरी बेटी के घर में दाखिल होकर मारपीट करके सख्त ज़्यादती की। थाना रोहिल्ला वाली में दरख्वास्त पेश की और SHO रोहिल्ला वाली ने दरवाजे से बाहर निकाल दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी DSP सदर सर्कल मुजफ्फरगढ़ DPO मुजफ्फरगढ़ RPO डेरा गाजी खान और आला हुकाम से इंसाफ की अपील है।